दोस्तों, आप में से काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलता है कि मेरा YouTube ने चैनल डिलीट कर दिया, मेरा YouTube ने चैनल को टर्मिनेट कर दिया। कोई बोलता है कि मेरे YouTube चैनल पर स्ट्राइक आ गया, मैंने कोई गलती ही नहीं की है। मैक्सिमम लोगों का कंसर्न यही रहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन YouTube ने मेरे साथ गलत कर दिया। अभी मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अगर आपने कोई गलती ही नहीं किया है तो मैं बता दूं, अगर आप अपने जगह में सही हो तो YouTube को भी झुकना पड़ता है। यहां तक कि मैंने झुकाया है, अभी मैं दिखा रहा हूं कैसे। सारा प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा क्या चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा कि अगर आपको विदाउट एनी रीजन, आपने कोई गलती नहीं किया, अगर आपको कभी YouTube से स्ट्राइक वगैरह आ जाता है तो आप कैसे उस चीज से बच सकते हैं, कैसे उस चीज से निकल सकते हैं। तो चलिए मैं डिटेल में बताता हूं ये इंसिडेंट मेरे साथ क्या हुआ कुछ दिन पहले। अभी दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी आप लोग एक वीडियो मिलेगा जहां पर मैंने बताया यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। एक वीडियो है मेरा, देखिए 14 मिनट का, यूट्यूब चैनल बनाने का सही तरीका पूरा डिटेल में मैंने सिखाया है। यूट्यूब चैनल बनाने का प्रोसेस सिंपल सा वीडियो है, कोई इलीगल काम नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है, कोई गलत नॉलेज नहीं है, सिंपल सा भाई यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सिखाया। अब इस वाले वीडियो पे यूट्यूब ने मुझे एक मेल भेज दिया, यूट्यूब रिमूव्ड योर कंटेंट और स्ट्राइक पड़ गया चैनल पर। 4 दिन पहले का बात है। कब आया था मेल भाई? 22 तारीख को, 22 फेब को मेल आया अचानक से। मैं उस टाइम वृंदावन में था, मेल आया। अब बता रहा है कि कौन से वाले वीडियो पे यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, ये वाला वीडियो यूट्यूब ने उड़ा दिया है, स्ट्राइक भी पड़ गया है और स्ट्राइक आ गया मतलब। और क्यों उड़ाया यूट्यूब का, मैंने क्या गलती किया है कि यूट्यूब का मैंने पॉलिसी को वायलेट किया। कौन सा पॉलिसी भाई? तो उनका एक पॉलिसी है, कंटेंट दैट शेयर्स थ्रेटन्स टू शेयर एनकरेजेस अदर टू शेयर नॉन पब्लिक पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड ऑन यूट्यूब। किसी का भी विदाउट परमिशन मैं किसी का भी आइडेंटिटी जो होता है उसको मैं रिवील नहीं कर सकता, ये उनका एक है। जैसे अगर आप कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हो, वीडियो में दिखा रहे हो, किसी का नाम पता और आधार नंबर वगैरह कुछ अगर डाल रहे हो तो वो सब आप नहीं भर सकते, ठीक है? उसका आइडेंटिटी रिवील आप नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे कि उन्होंने लिखा है कि दिस मे इंक्लूड, मेरे वीडियो में ऐसा हो सकता है कि मैंने दिखाया है किसी का एड्रेस, किसी का ईमेल एड्रेस, साइन इन करने का प्रोसेस, फोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ मैंने बताया है जिस वजह से मेरे वीडियो को उड़ा दिया है यूट्यूब ने। आप देखिए, मैंने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सिखाया है तो उस वीडियो में ऑब्वियसली बात है कि मैंने यूट्यूब चैनल जब बनाना सिखाया है तो ईमेल अकाउंट बनाना सिखाया होगा, और ईमेल अकाउंट बनाना सिखाया तो वहां पर मेरे नाम, एड्रेस वगैरह ये सब तो डालना ही पड़ता है। तो ये वाला चीज भी यूट्यूब पे इलीगल है, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। आप किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते विदाउट एनी परमिशन। लेकिन यहां पर दोस्तों मैं गलत नहीं हूं, क्यों? क्योंकि मेरे वीडियो में मैंने अवेयरनेस वाला वीडियो बनाया है, नॉलेजेबल वीडियो बनाया, कुछ सिखाने के लिए वीडियो बनाया। अब यूट्यूब को ये चीज मुझे प्रूफ करना है कि मैं गलत नहीं हूं। अपील करने का ऑप्शन आता है, अगर आप अपील सही तरह से कर देते हैं तो यूट्यूब आपके बात को मानता भी है, आपका वीडियो भी रिटर्न आएगा, आपका स्ट्राइक भी हटेगा। आप दोस्तों, मैंने यहां पर यूट्यूब को किया अपील और यहां पर देख सकते हो मैंने अपील में क्या लिखा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप भी आने वाले टाइम पे ऐसा अगर कुछ होता है तो आप भी ये टेक्स्ट सेम टू सेम डाल देना। मैंने लिख दिया कि द कंटेंट जो मैंने बनाया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, नॉलेज पर्पस के लिए था, ठीक है? इसमें मैंने किसी का भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो होता है उसको मैंने इंफॉर्मेशन नहीं शेयर किया है, ठीक है? ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऑडियंस को कि यूट्यूब अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये चीज मैंने देखिए पूरा लिखा है और लिख करके अपील किया। जैसे ही अपील किया, अब यूट्यूब के सामने सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर में फिर से आता है मेल और लिखा हुआ है, मनोज दे यू हैव रीच्ड अ डिसीजन ऑन योर अपील, और लिखा है कि सॉरी गलती हो गया, हम लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया था, वीडियो में आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, आपका वीडियो रिटर्न आ चुका है, स्ट्राइक भी हट चुका है। ये देखिए मेल आ चुका है, इसीलिए मेरा टाइटल आप लोगों ने देख लिया कि यूट्यूब को भी झुकना पड़ता है अगर आप अपने जगह में सही रहोगे, गलत नहीं रहोगे तो। लेकिन अगर किसी का चैनल डिलीट होता है और वो बोलता है, मेरे सामने आकर के बोलता है मतलब कि मैंने कोई गलती किया ही नहीं, तो फिर मान लो अगर आपने कोई गलती किया ही नहीं, अगर आप अपील करते हो तो आपका चैनल रिटर्न आ जाएगा, यूट्यूब आपको रिटर्न देगा चैनल। लेकिन अगर आपने गलती किया है फिर आप अपील करते हो तो कोई हाल में ना मिले। और गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, यहां आकर के मेरे सामने ऐसा करते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं किया, वो मेरे सामने आकर के सफाई देते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं किया। तो मेरे सामने अगर आप आकर के सफाई देते हो तो मैं यूट्यूब का कोई मैनेजर नहीं हूं, मैं यूट्यूब का CEO नहीं हूं कि मैं आपके चैनल को रिटर्न दे दूंगा। अगर आपने गलती नहीं किया, आपको लगता है कि आप 100% अपने तरफ से क्लियर हो, आपने कोई गलती नहीं किया, तो आपको अपील में सिंपल 4 लाइन लिखना है कि मैंने कोई गलती नहीं किया, मेरा वीडियो या फिर जो भी हो मेरा चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आप जाकर के फिर से एक बार रिव्यू कीजिए। रिव्यू करेगा, अगर गलती नहीं आया तो आपका चैनल आ जाएगा, आपका स्ट्राइक हट जाएगा, जैसे कि मेरा हट गया, गलती नहीं था, स्ट्राइक हट गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का देखिएगा चैनल कभी जाता है, कभी स्ट्राइक आता है और बोलता है मैंने कोई गलती नहीं किया, ये दरअसल पूरा सरासर गलत बात होता है। वो आपके सामने ऐसा दिखाता है कि मैंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन गलती कुछ ना कुछ वो करते हैं जिस वजह से उन्हें भुगतना पड़ता है, और फिर वो अपने आप को सिंपल, इनोसेंट, हंबल बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं वीडियोस पे, बट ऐसा नहीं होता है। आई होप सो समझ में आ गया है दोस्तों, मैंने दिखा भी दिया कि अपील कैसे करना होता है, क्या लिखने से आपका वीडियो आ जाएगा, ये भी आपको सीखने को मिला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।